दोस्तों, अब आपको इंश्योरेंस पॉलिसी पर कहीं भी स्टैंप नहीं मिलेगी, तो क्या है इसके पीछे की वजह? कहां गई आपकी स्टैंप और कैसे आप वेरीफाई करें कि आपकी पॉलिसी जेन्युइन है या नहीं? और अगर कोई और अथॉरिटी जैसे कि ट्रैफिक पुलिस अगर ये चैलेंज करे कि आपकी पॉलिसी फेक है, तो उसे जेन्युइन कैसे प्रूव करें, इसके भी तीन तरीके मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरविंदर सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है इंश्योरेंस इंपैक्ट के यूट्यूब चैनल पर। आइए जानते हैं क्या है स्टैंप के गायब होने की कहानी और किसने ले ली है स्टैंप की जगह। दोस्तों, इंश्योरेंस पॉलिसी का आपको वो टाइम याद होगा जब उस पर स्टैंप लगाई जाती थी, और जो मेरे एजेंट भाई हैं वो इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आज भी कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं कि मुझे तो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी पे स्टैंप चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना जो अथॉरिटीज हैं वो उसे असली नहीं मानती हैं, और खासकर जो छोटे शहर हैं टायर 2 और 3 सिटीज में ऐसे ज्यादा क्लाइंट्स होते हैं। तो कहां गायब हो गई है स्टैंप और किसने ले ली है आपकी स्टैंप की जगह? दोस्तों, अब स्टैंप की जगह आ गया है QR कोड। जैसे हम पहले बैंक में पैसा जमा करवाने के लिए जाते थे, लाइन में लगते थे और मैनुअल अपना कैश जमा करवाते थे किसी के भी अकाउंट में, अब डायरेक्टली हम किसी भी UPI ऐप पे QR कोड स्कैन करके पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे ही टेक्नोलॉजी के बदलाव के साथ साथ स्टैंप की जगह ले ली है QR कोड ने। दोस्तों, पहले इंश्योरेंस के मैनुअल कवर नोट्स फिल किए जाते थे, यानी मैनुअली उनमें डिटेल भरी जाती थी और ऑलरेडी कवर नोट बुक में स्टैंप पहले से लगी होती थी, तो उसमें काफी सारी दिक्कतें थी। जो सबसे पहली दिक्कत थी, बैकडेट में भी कई पॉलिसीज पंच कर दी जाती थी क्योंकि स्टैंप ऑलरेडी लगी हुई है, तो कोई नहीं जानता था कि ये प्रपोजल फॉर्म, ये कवर नोट किस टाइम पे बना हुआ है। जो डेट्स की रेगुलरिटी थी कवर नोट नंबर के हिसाब से, उसे भी चीट करने के लिए बीच में कुछ कवर नोट्स को खाली छोड़ दिया जाता था, और इंश्योरेंस कंपनीज को कई बार नुकसान उठाना पड़ता था फेक क्लेम्स का, यानी गाड़ी पहले एक्सीडेंट हो जाती थी और उसके बाद इंश्योरेंस करके उसका क्लेम ले लिया जाता था, और इसी टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से स्टैंप्स की वैलिडिटी भी शक के दायरे में आने लगी। दूसरा जो नुकसान था दोस्तों, कि मैनुअल कवर नोट होने के बाद भी, उस पर स्टैंप लगने के बाद भी आपकी पॉलिसी फेक हो सकती थी। रीजन क्या है? कवर नोट फिल करने के बाद एजेंट को वो पैसा जमा करवाना होता था इंश्योरेंस कंपनी में, अगर वो पैसा जमा नहीं होता तो इंश्योरेंस पॉलिसी पंच होती ही नहीं, यानी इंश्योरेंस पॉलिसी इशू ही नहीं होती, तो उसमें भी आपका जो कवर नोट है वो इनवैलिड हो जाता, किसी भी क्लेम आने के दौरान आपको क्लेम नहीं मिलता। तो जो कवर नोट था या जो स्टैंप थी, उसकी सारी जो ऑथेंटिसिटी थी, जो वैलिडिटी थी, वो अब शक के दायरे में थी, क्योंकि जो ट्रैक करने का जो प्रोसीजर है, जो उसको ऑथेंटिकेट करने का प्रोसीजर है, वो सही नहीं था, बीच में बहुत सारे लूप होल्स थे। लेकिन जैसे जैसे ये सारे प्रपोजल फॉर्म और चीजें ऑनलाइन हुई, तो ये सारी दिक्कतें खत्म होती चली गई। अब आपके सारे प्रपोजल ऑनलाइन फिल किए जाते हैं, आपकी पेमेंट की डिटेल ऑनलाइन होती है, जब आप पेमेंट करते हैं पॉलिसी इशू होती है, वो भी PDF ऑनलाइन आती है, और ये सारी डिटेल्स एम परिवहन पे भी आपको अपनी पॉलिसी से रिलेटेड मिल जाती है। तो QR कोड आने से फायदे ही फायदे हुए हैं, टेक्नोलॉजी के एडवांस होने से काफी फायदा हुआ है इंश्योरेंस कंपनीज को भी, क्लाइंट्स को भी और एजेंट्स को भी। अब दोस्तों बात करते हैं QR कोड की, कैसे इसने एक रिवोल्यूशनरी बदलाव ला दिया पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। QR कोड की फुल फॉर्म है क्विक रिस्पांस कोड। ये एक 2-डाइमेंशनल मैट्रिक्स बारकोड है जिसकी इन्वेंशन हुई 1994 में जापानीज कंपनी डेंसो वेव के द्वारा। ये अपने ऑटोमोबाइल पार्ट्स को लेबल करने के लिए QR कोड का इस्तेमाल करते थे। इस स्क्वायर डिजाइन के अंदर किसी भी पार्ट या चीज या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, और किसी भी इमेजरी डिवाइस जैसे कि कैमरा से हम स्कैन करके उस पूरी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के QR कोड को स्कैन करेंगे, तो आपका फोन इस कैमरा से स्कैन करके आपकी पॉलिसी की इंफॉर्मेशन निकाल लेगा, जैसे कि पॉलिसी की स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, इंश्योर्ड का नाम क्या है, किस इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी है, और गाड़ी की डिटेल्स भी आपको दिखा देगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका था किसी भी चीज को ऑथेंटिकेट और वैलिडेट करने का। इसमें स्टैंप्स की जो जितने भी डाउट्स आए थे उन सबको क्लियर कर दिया, और आज के दिन आपको स्टैंप्स नहीं मिलेंगी, सिग्नेचर भी आपको मैनुअल नहीं मिलेंगे, आज के दिन उनकी जगह भी डिजिटल सिग्नेचर्स ने ले ली हैं। अब स्टैंप्स को क्या ना, कॉपी करना बहुत आसान था, स्टैंप्स को इजीली आप 100-200 रुपए में कोई भी जाके स्टैंप्स को डुप्लीकेट रूप में बनवा सकता था और यूज कर सकता था किसी भी फेक या फ्रोजरी डॉक्यूमेंट पे, तो उसकी वैलिडिटी बहुत शक के दायरे में थी। और अगर बात करें किसी थर्ड पार्टी अथॉरिटी की, यानी अगर कोई ट्रैफिक पुलिस या कोई और भी अथॉरिटी आपके डॉक्यूमेंट को चेक करती है और वेरीफाई करती है सिर्फ एक स्टैंप के द्वारा, तो वो भी एक सही तरीका, विश्वसनीय तरीका नहीं था आपके डॉक्यूमेंट को वैलिड प्रूव करने का। तो सारी इन चीजों को रिप्लेस कर दिया डिजिटल टेक्नोलॉजी ने, और आ गए QR कोड और डिजिटल सिग्नेचर्स।
अब दोस्तों, अगर कोई और अथॉरिटी जैसे कि ट्रैफिक पुलिस या खुद इंश्योरेंस कंपनी चैलेंज करती है आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट को आपके QR कोड होने के बावजूद, तो आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि आपका इंश्योरेंस जो पॉलिसी है वो वैलिड है? आप कैसे ये प्रूव करेंगे उनको? इससे जुड़ी भी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि QR कोड को अपनी पॉलिसी पे कैसे स्कैन किया जाए और कैसे चेक किया जाए कि जो जानकारी आई है वो वैलिड है या नहीं। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपको अपने फोन में एक QR कोड स्कैनर ऐप डाउनलोड करनी है। अपनी पॉलिसी पे दिए गए QR कोड को आपको स्कैन करना है। दोस्तों, अगर आपका स्कैन सक्सेसफुल हो जाता है तो तीन सिचुएशन आपके सामने आ सकती हैं। सबसे पहली सिचुएशन कि वो आपको एक लिंक दिखाएगा। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पॉलिसी से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी, जैसे पॉलिसी कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, पॉलिसी होल्डर का नाम, गाड़ी की डिटेल्स और इंश्योरेंस कंपनी की डिटेल्स आपको दिख जाएंगी। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, जैसे ही आप QR कोड स्कैन करेंगे और वो स्कैन सक्सेसफुल होता है, आपके सामने डायरेक्ट यही डिटेल्स आ जाएंगी, कोई लिंक नहीं आएगा, यानी डायरेक्टली आपको डिटेल्स दिख जाएंगी और ये डिटेल्स अगर मैच करती हैं आपके ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के साथ तो आपकी पॉलिसी वैलिडेट हो जाती है। और तीसरा जो सिचुएशन आपके सामने आ सकता है वो ये कि जैसे ही आप QR कोड को स्कैन करेंगे आपके सामने एक लिंक आएगा और उस लिंक से आपकी पॉलिसी का PDF डॉक्यूमेंट ही डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज पे कि वो अपने QR कोड स्कैनर में क्या फैसिलिटी देती हैं, क्या उसमें इंफॉर्मेशन फीड करती हैं, तो वो इंश्योरेंस कंपनी पे डिपेंड करता है। तो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं QR कोड स्कैन करने के बाद। अगर कई बार ऐसा होता है कि आपका QR कोड जो स्कैनर ऐप है वो स्कैन नहीं कर रहा है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपनी QR कोड स्कैनर जो ऐप है उसको चेंज करके देखें, क्योंकि इनकी भी बहुत सारी वैरायटीज हैं स्कैनर ऐप्स की भी। कोई हो सकता है ऑथेंटिकेट वैलिड ऐप ना हो, तो आप QR कोड स्कैनर ऐप चेंज करके दोबारा स्कैन करके देख सकते हैं, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और एक और दिक्कत हो सकती है कि आपकी जो पॉलिसी जहां से आप QR कोड स्कैन कर रहे हैं उसका प्रिंट डार्क होना चाहिए, वो प्रिंट लाइट ना हो, क्योंकि जो QR कोड का डिजाइन है ना उसी के अंदर ये इंफॉर्मेशन स्टोर है। अगर उसकी प्रिंट क्वालिटी लाइट है तो आपका जो QR कोड स्कैनर ऐप है वो उस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट यानी कि एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखें, कहीं आप लाइट QR कोड को स्कैन करते रहे और वो स्कैन ना हो तो आपको लगे कि आपकी पॉलिसी इनवैलिड है, ऐसा नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि उसका जो डार्क प्रिंट है उसको स्कैन करें और फिर ट्राई करें, या फिर आप QR कोड स्कैनर ऐप चेंज करके भी देख सकते हैं, आपको कोई ना कोई रिजल्ट इसमें जरूर मिल जाएगा। हम अपने एजेंट को बोलते हैं कि आपको हमारी पॉलिसी पे स्टैंप लगानी ही होगी, क्योंकि पुलिस वाला या कोई भी ट्रैफिक पुलिस जो अथॉरिटी है वो इसको वैलिड नहीं मानती है बिना किसी स्टैंप के। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं अपनी QR कोड वाली पॉलिसी को कैसे ऑथेंटिकेट आप करें एक किसी भी अथॉरिटी के सामने, उसके तीन तरीके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला तरीका है दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बताया है, QR कोड आपको स्कैन करके दिखाना है। ये बिल्कुल निष्पक्ष तरीका है, इसमें आपने कुछ भी मैनुअल छेड़छाड़ नहीं की है। जैसे ही आप अपने फोन से QR कोड को स्कैन करेंगे ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स आपके फोन में आ जाएंगी, और अगर वो मैच करेंगी आपकी पॉलिसी डिटेल्स के साथ, पॉलिसी डॉक्यूमेंट के साथ, तो कोई भी उसकी ऑथेंटिसिटी को चैलेंज कर ही नहीं पाएगा। तो ये आप QR कोड स्कैन करके उन्हें दिखा सकते हैं। हो सकता है टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ है, ट्रैफिक पुलिस खासकर छोटे शहरों में ट्रैफिक पुलिस या कोई भी अथॉरिटी इस जानकारी को ना जानते हो या उन्हें इसके बारे में ना पता हो, लेकिन अगर आप समझाएंगे तो वो इसे समझ जाएंगे और वो खुद चेक भी कर लेंगे कि ये जेन्युइन है या नहीं। दूसरा तरीका, आप अपने इंश्योरेंस पॉलिसी को डिजीलॉकर में अपलोड कर सकते हैं। डिजीलॉकर एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऐप है और उसके द्वारा डाउनलोड किया गया कोई भी डॉक्यूमेंट इनवैलिड नहीं हो सकता, यानी उसकी मान्यता हर सरकारी डिपार्टमेंट को देनी होगी। तो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को आज ही डिजीलॉकर में अपलोड करें, और डिजीलॉकर से जो इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करेंगे उसके अंदर भी एक QR कोड होता है, आप उसे भी स्कैन कर सकते हैं और डिजीलॉकर के डॉक्यूमेंट को कोई भी अथॉरिटी डिनाई नहीं करेगी, उसे वैलिड मानना ही पड़ेगा। तीसरा तरीका है दोस्तों कि हर ट्रैफिक पुलिस या कोई भी अथॉरिटी के पास RTO का डाटा जो है वो सिंक्रोनाइज होता है। एम परिवहन से जो भी डिटेल्स है वो उनके साथ शेयर्ड होती हैं, ऑलरेडी उनके डिवाइसेस में, उनके चालान करने वाली मशीन में, उनके पोर्टल्स में अपलोडेड होती हैं। वहाँ पे आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल्स ऑनलाइन ऑलरेडी दर्ज होती हैं। तो आप अगर इन दोनों ही तरीकों में कोई भी पॉसिबल ना हो पाए, आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी का डॉक्यूमेंट भी नहीं है, तो भी आप उन्हें ये बोल सकते हैं कि वो अपने चालान मशीन या फिर अपने रिकॉर्ड में चेक कर सकते हैं कि आपके पास वैलिड इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस का चालान आपका नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आपकी वैलिडिटी जो है इंश्योरेंस की वो अपडेटेड शो करेगी, आपके इंश्योरेंस का पॉलिसी नंबर शो करेगा आपकी गाड़ी की डिटेल्स डालते ही। तो इन तीनों तरीकों से आप ये वैलिडेट कर सकते हैं जो भी इंश्योरेंस आपका डॉक्यूमेंट है वो वैलिड है, ऑथेंटिक है,
उस पे स्टैंप की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई ये मैनुअल कामों का ज़माना गया, अब टेक्नोलॉजी ने ओवरटेक कर लिया है मैनुअल चीज़ों को, जो कि ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा वैलिड है, ज़्यादा ऑथेंटिक है, सिर्फ उसका सही इस्तेमाल आना चाहिए। सिर्फ एक यही लूपहोल, यही गैप बचा हुआ है, और यही हमारी कोशिश है इंश्योरेंस इम्पैक्ट चैनल के द्वारा कि हम उस गैप को कम कर सकें, ख़त्म कर सकें, और आप अपने जो भी राइट्स हैं, जो भी आपके हक हैं, जो आपने पैसा, एक एक पैसा आपने मेहनत कमाई का इन्वेस्ट किया है अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में, उसको आप इस्तेमाल कर पाएं। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ये तो बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब आप समझ गए हैं कैसे आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी को वैलिड प्रूव करना है किसी भी थर्ड पार्टी एजेंसी के सामने, या अब आप ये भी जान गए हैं कि स्टैंप क्यों नहीं आती है, QR कोड का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, कितना बड़ा रोल है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो दोस्तों, मैं अरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे